टीवी में मैं हूं आपके साथ चंदा यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे। बीजेपी सरकार ने सत्ता में आने के बाद भले ही गायों को लेकर सख्त कानून बनाए, लेकिन बावजूद इसको लेकर गौ तस्करों में इसका कतई भी भय देखने को नहीं मिल रहा है। जी हां, ताजा मामला फरीदाबाद का है, जहां आज तड़के पीछा कर रहे गौ रक्षक दल पर गौ तस्करों ने फायरिंग कर दी और मौका देख अपने वाहन सहित गायों को छोड़कर फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस अब जांच के बाद जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कह रही है। बता दें, गौ तस्करों ने लगभग 5 गायों को कैंटर में भर लिया था, जिसकी सूचना गौरक्षक दल के प्रमुख अशोक बाबा को उनके सूत्र द्वारा मिली। सूचना के बाद अशोक बाबा अपनी टीम के साथ उनके पीछे ले गए और इस कैंटर को आता देख उन्होंने रुकने का इशारा किया, लेकिन गौ तस्कर नहीं रुके, जिसके बाद अशोक बाबा की टीम ने गौ तस्करों का पीछा करना शुरू कर दिया। इस दौरान गौ तस्करों ने अशोक बाबा की टीम पर कई राउंड फायर किए। गनीमत रही गोली किसी को नहीं लगी, नहीं तो जान भी जा सकती थी। अपने पीछे लगे गौ रक्षक दल की टीम को देख गौ तस्करों ने फरीदाबाद के राजीव कॉलोनी में गायों से भरे अपने कैंटर को छोड़ दिया और मौके से भागने में कामयाब हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने मौके पर पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक गौ तस्करों का पीछा कर रही गौ रक्षक दल की टीम को रोकने के लिए गौ तस्करों ने उनकी टीम पर गाय फेंकी थी, जिसमें एक गाय की मौत हो गई और 4 गायों को जिंदा बरामद किया गया है। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया जाएगा। सर, गाय रेस्क्यू की है, सर क्या था पूरा मामला? ये अभी सूचना दी थी अपने गौ रक्षक दल ने, बाबा है उन्होंने, अशोक बाबा ने, तो उसके ऊपर हम आए हैं। यहाँ इस गड्ढे में 3 गायें हैं, एक आगे वो फैक्ट्री बता रहे हैं, तो गाड़ी और ये गायें रिकवर कर ली, इनको गौशाला छुड़वा रहे हैं, बाकी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। सर, लगातार सर्दी बढ़ती है, ऐसी वारदात चालू होती है, रोकने के पूरे प्रयास किए जाएंगे, आगे से नाकाबंदी बढ़ाई जाएगी, इन संबंध में चेक किया जाएगा। सर, कुछ फायरिंग वगैरह हुई है क्या, कुछ पता चल पाया? अब जो भी हुआ उसके अकॉर्डिंगली कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम मोनू मानेसर है, जिला संयोजक बजरंग दल मानेसर से हूँ। मोनू जी, आज राजीव कॉलोनी में गाय से भरा हुआ गाड़ी पकड़ी है, क्या था सर पूरा मामला? ये मामला ये था, रात को हमें सूचना मिली, हमने अपने अशोक बाबा को यहाँ की टीम से सूचना दे दी थी, अपने गोरक्षा प्रमुख बजरंग दल से हैं, उनको सूचना दे दी थी, तो उनको सूचना देने के बाद इस गाड़ी के पीछे लगे हुए इन्होंने फायरिंग भी की है टीम के ऊपर, और इन्होंने चलती गाड़ी से गाय भी फेंकी है। जो गाय चोटिल है उनको हमने गौशाला पहुँचा दिया, और SHO साहब मौके पर आ गए हैं, जिनकी कार्रवाई वो कर रहे हैं। कितने गोवंश थे जो लेके जा रहे थे? ये गोवंश 6 से 7 थे, 4 तो हमें मिल गए, एक गोवंश आगे मृत पड़ा हुआ है, उनको भी डॉक्टर की देखरेख में पोस्टमार्टम किया जाएगा और उनका इलाज कराया जाएगा। तो कहाँ की गाड़ी है, क्या कुछ पता चल पाया इसमें? ये मेवात की ही गाड़ी है और मेवात के ही गो तस्कर थे, ये कन्फर्म हो गया है, मेवात गो तस्कर है और इनके नाम भी हम जानते हैं, जल्दी पुलिस के सामने इनके नाम दे दिए जाएंगे और जिनसे इनके खिलाफ FIR दर्ज करा दी। सर, फायरिंग वगैरह हुई है गौरक्षक? हाँ जी, गौरक्षक दल पे गोलियां चलाई है, जिनकी 2 गाड़ियां भी तोड़ी गई है, जिन पे 6 से 7 राउंड फायर किए गए हैं।